पिक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई सूजी के लड्डू। ये दिखने में जितने ही लजीज दिख रहे हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट होते हैं और ये हार्डली 10 मिनट्स में बनके तैयार हो जाते हैं। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, 5 से 6 बादाम स्लाइसेस में कटा हुआ, आप ट्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून घी, 1 छोटी कटोरी पीसी हुई चीनी, 1 कप ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट, 1 कप फ्रेश क्रीम और 1 कप सूजी। सबसे पहले हम एक पॉट गरम करेंगे। पॉट जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब उसमें हम घी ऐड करेंगे। घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें हम मिलाएंगे सूजी। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम हीट पे। सूजी जब अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट। ये लड्डू बहुत ही झटपट बन जाता है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कोकोनट को भी हम अच्छी तरह से भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। इसे अच्छी तरह से भुनने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी, बादाम स्लाइसेस में कट किया हुआ, इलायची पाउडर और 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। क्रीम हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एक साथ सब क्रीम ऐड नहीं करना है। क्रीम हम उसमें इतना ही मिलाएंगे जितने में इस मिक्सचर से हम अच्छा सा लड्डुओं का शेप दे सके। क्रीम मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे आप किसी भी फेस्टिव सीजन में बना सकते हैं, ये बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपका किसी दिन अचानक से मीठा खाने का मन करे तो भी आप इसे बना सकते हैं। इसमें हम 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और ऐड करेंगे। क्रीम से इस लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार है लड्डू बनाने के लिए। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके लड्डूओं का शेप देंगे। इसी तरह हमें बाकी के सारे मिक्सचर का लड्डू बना लेना है। हमारे मलाई सूजी के लड्डू बनके तैयार हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।